नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। क्यों हमें किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस की क्या नीड है और इस एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, हम इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जब किसी कंपनी का शेयर इस आधार पर खरीदा जाता है कि वह कंपनी आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है, तब उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हमें कंपनी से जुड़े तथ्यों के बारे में बारीकी से स्टडी किया जाता है, जैसे कि उस कंपनी से जुड़े लोग कौन हैं, उन लोगों का पर्सनल बिजनेस एक्सपीरियंस क्या है, उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, उस कंपनी के डायरेक्टर कितने हैं और उन डायरेक्टरों के नीचे काम करने वाले ऑफिसर्स कितने हैं, उन सबका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है, वह कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का क्या डिमांड रहने वाला है, जिस कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता क्या है, कंपनी ने अपने पास्ट में कब कितना लॉस किया या फिर कब कितना प्रॉफिट कमाया, और कंपनी के पास कितनी संपत्ति है और उस संपत्ति पे कर्जे कितने, जिसे आप सिंपल डीई रेशियो से भी निकाल सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, हम उन्हें बता दें कि हम इस टॉपिक पर पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह हम चेक करते हैं कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वह कंपनी आर्थिक रूप से कितनी स्ट्रांग है और वह कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम ज़्यादातर कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट को समझते हैं। अगर कंपनी का मैनेजमेंट पहनती है, कंपनी में हर रोल के लिए उस फील्ड का एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सन है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ उसकी पॉलिसी से खुश है, कंपनी के कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स और उसके एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर से खुश है, तो वह कंपनी फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है ऐसा मान सकते हैं। एनालिसिस चाहे टेक्निकल हो या फंडामेंटल, लेकिन कंपनी आगे जाके अच्छा ही परफॉर्म करेगी इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क भी जुड़ा होता है, इससे बचने के लिए हमें टाइम टू टाइम जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है उसके ये दोनों ही एनालिसिस करने पड़ते हैं। जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया है उस पर आ रही न्यूज़ का एनालिसिस करना भी फंडामेंटल एनालिसिस का ही एक भाग है। अगर कंपनी के इंटरनल मैटर से जुड़ी कोई न्यूज़ आती है और वो ख़राब न्यूज़ होती है तो एक इन्वेस्टर को उस पर खास ध्यान देना चाहिए। एग्जांपल, अगर कंपनी लगातार लॉस कर रही है लेकिन फिर भी मैनेजमेंट के लोग अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट करवाते ही रहते हैं तो ये एक ख़राब साइन है। कंपनीज़ के इंटरनल मैटर से जुड़ी ख़राब खबरें हमें हाल फिलहाल में ही बहुत सुनने को मिली है, जैसे कि जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइन, रिलायंस कम्युनिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ताकि कंपनी शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से निकलकर हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा लाभ दे सके। फंडामेंटल एनालिसिस करने के साथ साथ हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं हमें उस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि वो बिज़नेस कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट की उस बिज़नेस को लेकर क्या पॉलिसीज है, कंपनी कितने सालों से उस बिज़नेस में इन्वॉल्व है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दुनिया के कई सफल इन्वेस्टर एक अच्छे बिजनेसमैन भी है और ज़्यादातर अच्छे इन्वेस्टर उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाना पसंद करते हैं जिसके धंधे को वे अच्छे से समझते हैं और लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न कमाते हैं। तो ये थी जानकारी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका किसी टॉपिक पर वीडियो का सजेशन हो तो उसे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके टॉपिक पर वीडियो बनाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि हमारे हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।